हेलो गाइस, किस सभी लोग आप सबका स्वागत है जी डी को नए वीडियो में। मेरा नाम है फैंगर और गाइस यार आज हम लोग एहली विकी पे है। अरे ये कहां से चला रहा है, एहली विकी पे जल्दी आओ यार। अबे कहां पे तू, एहली विकी पे जल्दी आओ ना यार। अबे आऊं का ये तो बता, एहली विकी पे जल्दी बाहर आओ ना। अच्छा बाहर आना क्या और जॉब क्या लेते रहे। तो गाइस यार यार मुझे शिनचैन बुला रहा है, पता नहीं क्यों बुला रहा है। अबे क्या हो गया यार, क्यों पका रहा है। एहली विकी पे देखो। अरे क्या देखूं मैं, ये गाड़ी किसकी है। अरे भाई साहब कितनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी है यार। एहली विकी पे देखो मेरी नई नई गाड़ी। और भाई क्यों लेके आया तू वैसे ये। अरे विकी पे आपको पता नहीं है कि रैम चैलेंज होने वाला है, इसलिए तो मैं लेके आया हूँ। अबे क्या रैम चैलेंज, अबे मेरे को तो पता नहीं है। पर कोई बात नहीं यार भाई, तूने बता दिया और तेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी, तो यार अपन आराम से जीत ही जाएंगे ना यार। अरे नहीं विकी भैया, ये गाड़ी सिर्फ मेरे लिए है, इसमें सिर्फ मैं ही पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। अबे भाई क्यों। अरे विकी भैया हर बार आप जीतते हो और सारे के सारे पैसे जो भी जीते हुए आप रख लेते हो, इस बार मैं अकेला जाऊंगा इस वाली गाड़ी में और जीतूंगा और सारे के सारे पैसे मैं रख लूंगा। अरे भाई शिनचैन पागल हो गए क्या। अरे विकी भैया मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई शिनचैन यार साथ में करते ना। अरे नहीं फेंकी भैया मुझे नहीं करना, आप आना अपनी खटारे से गाड़ी में। बाय बाय फेंकी भैया। अरे भाई इंजीनियर प्लीज भाई, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अरे फेंकी भैया तभी तो जा रहा हूँ, बाय बाय फेंकी भैया। अरे भाई क्या कर रहा है। अरे फेंकी भैया देखो इस गाड़ी में से धुएं भी निकलते हैं, इसकी तो टायर में से निकल रही है, आपकी तो दिमाग में से निकलेंगे जब मैं जीत जाऊंगा। बाय बाय फेंकी भैया। अरे भाई यार शिनचैन तो चला गया, मुझे भी रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने, पर मेरे पास तो सिर्फ ये खटारा सी गाड़ी है यार। तो गाइस यार अभी हम लोग निकल चुके अपने रैम चैलेंज के लिए अपनी इस बढ़िया वाली गाड़ी में। ये कोई खटारा वटारा नहीं है शिनचैन, ज्यादा ही बोल रहा था, अब तो मैं इसको जीत के दिखाऊंगा कैसे भी करके। गाइस यार फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करियो और प्रेस करना, और हम चलते सीधे रैम चैलेंज की तरफ। तो गाइस यार हम लोग आ चुके अपने रैम पे, और पहले तो यार आपको दिखा देता हूं हमारा रैम कैसा है, और उससे पहले आपको मिलवा देता हूं हमारे होस्ट कौन है। हमारे हर बार की तरह होस्ट है हमारे मोदी जी। मित्रों इस बार जो रैम चैलेंज जीतेगा उसको बहुत ही बड़ा प्राइज मिलेगा। तो गाइस यार अभी आपने सुन ही लिया कि भाई मोदी जी ने बोला है कि जो भी जीतने वाला है उसको बहुत ही बढ़िया प्राइज मिलने वाला है इस बार। तो यार फटाफट से जाके लाइक कर दो, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कंटेस्टेंट, उसको नहीं दिखाना हो पता नहीं कौन है। यहाँ पे हमारे आयरन मैन, ये अपनी नींबू वाली गाड़ी के साथ है, ये नींबू नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ है वोंडा, और ये कौन सी खटारा सी गाड़ी लेके, ये छोड़ो आप लोगों के करना। और हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे पे छोटा भीम, एक बढ़िया सी छोटी वाली गाड़ी लेके, और ये है मेरी गाड़ी। और यहाँ पे स्पाइडरमैन अपनी कचरा गाड़ी लेके क्यों आए यहाँ पे मुझे पता नहीं। और यहाँ पे इस बार हमारे पास आए हल्के मामा, इनका पूरा खानदान यहाँ पे आ गया, पर कोई भी जीत नहीं पा रहा है। अरे तुम क्या ही करोगे यहाँ पे। अरे बिद्दी निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ हमारा रैंप कैसा है। तो अपनी गाड़ी को भगाते हुए हमें जाना है इस रोड पे, और यहाँ से सीधा नीचे खुदा लेनी अपनी, खुदा नहीं यहाँ से लेते हुए जाना है अपनी गाड़ी को, और यहाँ से इन टायरों के बीच में से निकलना, इस व्हील मिल से बचना है, और अपनी गाड़ी उड़ते हुए जानी चाहिए। यहाँ से देखो यहाँ से गाड़ी उड़ेगी और जानी चाहिए सीधा इसके अंदर, जो भी इसके अंदर लैंड करेगा वो ये रैंप चैलेंज जीत जाएगा। पर अगर किसी ने अंदर लैंड किया और किसी ने इस रोड पे लैंड किया, तो यार वो जो रोड वाला लैंड वाला वो जीतेगा, क्योंकि यार इस रोड पे लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यार अपना रैंप चैलेंज बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं अपना बॉम्ब निकालता हूँ और मैं चुपचाप से शिनचैन की गाड़ी पे लगा दूंगा। जैसे शिनचैन जा रहा होगा मैं उसकी गाड़ी फोड़ दूंगा, क्योंकि सबसे पहले शिनचैन ही जाने वाला है। ये मैंने यहाँ पे बॉम्ब लगा दिया, और मैं चुपचाप जाके अपने यहाँ पे खड़ा होता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे भाई शुरू करो। अरे विकी भैया सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे भाई पूछ कौन रहते से निकलना। अरे विकी विकी भैया अभी मैं जीत जाऊंगा ना, फिर आप ही पूछोगे, देखना मैं कितने सारे चीजें जीतूंगा। अबे जाना देखते तू कैसे कंप्लीट करता है। तो गाइस यार अभी मैं इसका ये बम फाड़ने वाला हूँ, बस ही थोड़ा सा आगे पहुंचे। अरे देखना मैं एक बार में जीत जाऊंगा, ये क्या हो गया ये। अरे भाई क्या ही मजा आया। अरे ये मेरी गाड़ी कैसे फट गई, अरे ये क्या हो गया। अरे मैं जा रहा हूँ पानी में, बचाओ मेरे को। अरे लगता है शिनचैन की गाड़ी में से पेट्रोल बाहर आ गया और उस पे आग लग गई, इसलिए उसकी गाड़ी फट गई। अरे हाँ यार मेरे को भी वही लगता है, उसकी पेट्रोल की वजह से गाड़ी फटी है। तो गाइस यार अभी जाने वाले आयरन मैन देखते हैं हमें ये क्या करके दिखाते हैं। अरे करके क्या दिखाना है, मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा और ये रैंप चैलेंज। अरे मेरी गाड़ी बंद हो गई, अरे मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अबे भाई इसी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया। अरे भाई पागल है क्या, तू पेट्रोल तो भरा क्या था। अरे मैं पेट्रोल देखना तो भूल ही गया। अरे चल जा। और इसकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, और ये आ चुकी है स्लाइड पे, इसकी गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़ लेगी क्योंकि स्लाइड पे। अब देखते हैं हमारे आयरन मैन क्या कर पाते हैं। आपको क्या लगता है यार कौन जीतेगा, फटाफट जाके कमेंट में बता दो आयरन मैन जीत पाएगा कि नहीं, ये भी बता देना फटाफट से। और यहाँ पे विंडमिल से बचते बचाते ये जा रहे आयरन मैन, मुझे लगता है ये पहुंच तो नहीं पाएंगे, मुझे कंफर्म है ये पहुंच नहीं पाएंगे, और आयरन मैन हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, और ये जाने वाले सीधा पानी में। अरे जार्विस जल्दी अपना सूट चालू करो, जार्विस। अरे जार्विस कहाँ गए, अरे जार्विस सूट चालू करो। और ये हमारे आयरन मैन हो चुके बेहोश। अरे ये इनके बस की बात नहीं, मुझे जान दो। तो गाइस अब जाने वाली है वोंडा यार, ये देखते हैं ये क्या करके दिखाती है।
और यहाँ पे वांडा ने अपनी गाड़ी को उतार लिया विंड मिल से बचते हुए। अभी तक यार कोई विंड मिल में टकराया नहीं और ये वांडा जा रही है, क्या ये सर्कल में पहुंच पाएगी? मुझे तो लग रहा है ये पहुंच सकती है। और ये जा रही है सीधा सर्कल के अंदर और ये वांडा पहुंच चुकी है सीधा सर्कल के अंदर। वांडा ने कम्प्लीट कर लिया ये वाला चैलेंज। अरे मैंने रैंप चैलेंज कम्प्लीट कर दिया, नाचो 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 नाचो। तो गाइस यार अब जो आने वाले छोटा भीम, इनको जाके यार कैसे भी करके रोड पे लैंड करना होगा अगर ये जीतना चाहते हैं तो। और अगर ये नहीं कर पाए तो यार हमारी वांडा हो जाएगी विनर। अरे छोटा भीम मेरी बात सुनो, मुझे पहले जानने तो यार, मेरे को बहुत सारा टॉयलेट आ रही है, मैं जल्दी से रैंप चैलेंज कंप्लीट करके चला जाऊंगा। ठीक है। तो गाइस यार पहले जाने वाले हमारे स्पाइडरमैन, क्योंकि इनको कहीं पे जाना है। तो ये देखते हैं अपनी खटारा में हमको क्या करके दिखाते हैं। अरे ये फ्रैंकलिन खटारा नहीं है, वो मुझे थोड़ी टॉयलेट आ रही है इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। अरे तो देखते हैं हमारे स्पाइडरमैन क्या करते हैं। और ये स्पाइडरमैन जाते हुए सीधे अपने नीचे खटारा गाड़ी को लेते हुए। अरे मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मैं रैंप चैलेंज से नहीं जीत पाऊंगा पर इसलिए जा रहा हूँ टॉयलेट करने, बाय बाय। पहले मैं जाऊंगा। अरे भाई तेरी बारी नहीं है, छोटा भीम की बारी है। अरे पहले मैं जाऊंगा, मैं हल्का मामा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ इसलिए मुझे पहले जाना है, चुप रहो। तो गाइस यार अब ये पहले जा रहे हैं, भाई हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा यार, चलो कोई बात नहीं यार, अभी देखते हैं हमारे हल्के मामा क्या करके दिखाते हैं। इनका पूरा खानदान आ गया पर कोई भी नहीं जीत पाया। अरे मैं खतरों के खिलाड़ी में काम करता हूँ, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई ये कौन से स्टंट दिखा रहे हैं यार, कोई ये वाला स्टंट नहीं देखा, हमको रैंप चैलेंज करके दिखाओ। अरे वो भी कर दूंगा, एक सेकंड लगेगा मुझे। तो गाइस यार देखते हैं हमें एक सेकंड में कौन सा रैंप चैलेंज दिखाने वाले हैं। और ये पागलबंदी कर दी इन्होंने, ये पहले इन्होंने बहुत तेज रेस दी थी, ये कूद चुके और ये सीधा जाने वाले हैं नीचे। और ये बस जस्ट बच गए भाई साहब, अभी इन्होंने वापस अपनी गाड़ी को मारी या फिर अपने बूस्ट का यूज करते हुए क्या ये पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है भाई ये पहुंच सकते हैं और ये अपने हल्क खानदान का नाम ऊंचा करेंगे। और इन्होंने पूछ दिया और ये नहीं भाई, ये भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, ये नहीं पहुंच पाए, सारे के सारे हल्के गधे। अरे पिद्दी ज्यादा बोल रहे ना क्या? अब तो मैं जाऊंगा यार, पहले जाओगे? अरे नहीं नहीं पहले तू जा यार, अब मैं नहीं जा रहा यार, मैं लास्ट में जाऊंगा। ठीक है अभी देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो गाइस यार अब देखते हैं हमारा छोटा भीम इतनी देर बाद जा रहा है, ये देखते हैं यार ये क्या करके दिखाता है, क्योंकि यार ये हमारे रैंप चैलेंज में पहली बार आया है। अब देखते हैं यार ये हमको कौन सा स्टंट करके दिखाएगा। और ये छोटा भीम जा रहे सीधा अपने रैंप पे यार, यहाँ से इनको बूस्ट मिलेगा, क्या ये टायर की वहां से पार कर पाएंगे क्योंकि वहां पे एक विंड मिल है। और ये यहाँ से इन्होंने पार कर लिया है भाई, कोई भी नहीं टकरा है भाई, फालतू में लगाया है विंड मिल। और ये हमारे छोटा भीम जा रहे, क्या ये पहुंच पाएंगे? मुझे तो लगता है ये पहुंच पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के अंदर ही जा रहे। और ये जाते जा रहे गोल गोल, इनकी गाड़ी घूम रही है। और ये क्या कर दिया इन्होंने, अरे ये गाड़ी से क्यों कूद गए? और इनकी गाड़ी तो जा चुकी है सर्कल के अंदर। और ये मुझे लगता है ये रोड पे लैंड करना चाहते हैं, क्योंकि यार आपको याद होगा कि भाई जो भी सर्कल के अंदर तो वांडा जा चुकी है और जो भी रोड पे लैंड करेगा वो ही जीतेगा। और इन्होंने रोड पे लैंड कर लिया। ओ भाई साहब यार हमारे छोटा भीम ने रोड पे लैंड कर लिया और ये जीत चुके और इनकी गाड़ी भी सर्कल के अंदर जा चुकी है, इनको तो डबल प्राइज मिलना चाहिए। पर अगर अब मुझे जीतना है तो मुझे अपनी गाड़ी के साथ उस रोड पे लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो यार गाड़ी अंदर डाल दी और खुद रोड पे लैंड हो गया, तो मेरे को इससे ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो यार मैं इनको अच्छा करके दिखाऊंगा और ही मैं रैंप चैलेंज जीत के दिखाऊंगा। अभी यहां से चलते अपन धीरे धीरे चलेंगे, अपन हल्की वाली गलती नहीं करेंगे, यहां से अपन चलते अपनी भगाते अपनी गाड़ी को और बिल्कुल आराम से जाने वाले सीधा सर्कल के बाहर मतलब रोड पे और यहां से कूदाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे भाई किसी के भी यार विंड मिल नहीं अड़ा यार, मेरे ही क्यों अड़ा? अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूं भाई, यार किसी के भी नहीं अड़ा यार, मेरे ही अड़ा सिर्फ विंड मिल यार। फिर से मैं एक और रैंप चैलेंज हार गया। मित्रों इस रैंप चैलेंज के विनर हैं छोटा भीम, क्योंकि ये इधर आए हैं तो इनको मिलेगा बहुत ही बढ़िया प्राइज। और वांडा ने भी सर्कल में डाला है इसलिए प्राइस में से 25% वांडा को मिलेगा। तो मित्रों चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें प्राइस की जगह पर। मित्रों आज से ये गोल्ड की फैक्ट्री हुई छोटा भीम की, और इसमें से 25% गोल्ड मिलने वाला है वांडा को। अरे भाई गोल्ड की फैक्ट्री है ये, अरे भाई मेरे को लगा ये बिस्किट पड़े, और भाई इतने से मैं इसको बिस्किट समझ रहे थे, तो असली वाले गोल्ड है और ये पूरी गोल्ड की फैक्ट्री है। यार इनको पूरी की पूरी गोल्ड की फैक्ट्री मिल चुकी है, अब ये चाहे वाले गोल्ड खाए चाहे बेचे चाहे कुछ भी करे, ये सारा का सारा इनका है। अबे भाई ये तो पूरी की पूरी फैक्ट्री है। और गाइस यार आपको दिखाता हूँ भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री, देखो तो सॉरी भाई इतनी बड़ी गोल्ड की फैक्ट्री। मैं तो सोच रहा हूँ भाई यहीं पे एक चोरी वोरी कर लूँ भाई, बहुत सारा गोल्ड मिल जाएगा, पर यार चोरी नहीं करने वाला। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना यार कैसी लगी वीडियो। यार रैंप चैलेंज में फिर से आ चुका हूं, पर अगली बार ट्राई करेंगे। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।